हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LSYT। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से हमारे डीवीडी पैक को अनपैक कर सकते हैं, मीन्स हमारे ट्यूटोरियल्स को आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी डीवीडी को अपने पीसी की हार्ड डिस्क पर यानी कि किसी भी ड्राइव पर कॉपी कर लेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डीवीडी में दी हुई सभी फाइल्स को अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी करें। बट हम ऐसा करने को इसलिए कह रहे हैं ताकि एक तो हमारे ट्यूटोरियल फास्ट प्रोसेस हो सके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डीवीडी से डेटा एक्सेस करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। सेकेंडली, अगर कभी डीवीडी खराब हो जाती है तो आपके पास ट्यूटोरियल्स का बैकअप सेव रहता है, तो बेटर है कि आप इन सभी फोल्डर्स और फाइल्स को अपने कंप्यूटर की किसी भी हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि हमारे ट्यूटोरियल्स को पढ़ने के लिए आपके कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर का होना जरूरी है, और अगर आपके कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर नहीं है तो हम आपको यहाँ पर हमारी डीवीडी में फ्लैश प्लेयर का सेटअप दे रहे हैं। आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप एडोब की वेबसाइट पर जाकर भी फ्लैश प्लेयर के लेटेस्ट वर्जन को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर आप विंडोज 7 के यूजर हैं तो हमारी ट्यूटोरियल फाइल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्टिवेशन किट के ऊपर राइट क्लिक करना है। देन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रन एज, और उसके बाद आप यहाँ पर इसको एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करेंगे। जैसे ही आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर पर इसको रन करेंगे तो आपके पास वहां पर 3 ऑप्शंस आएंगे, यस, नो, कैंसल। तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना है यस। और अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में विंडोज 7 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से देख रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप विंडोज 7 के यूजर हैं तो सिंपली आपको एक्टिवेशन किट के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करके उसे यस करना है। और डीवीडी को डीवीडी प्लेयर में इंसर्ट करने के बाद भी अगर आपकी डीवीडी रन नहीं हो पा रही है तो आप अपने एंटीवायरस को पहले पॉज करेंगे, उसके बाद डीवीडी को रन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इन डीवीडी पैक्स को अनपैक करने के लिए, मीन्स एक्टिवेट करने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिवेशन किट के ऊपर सिंपली डबल क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है, जहां पर आपके पास दो चॉइसेस होंगे कि आप किस तरह से अपनी डीवीडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं या ऑफलाइन। अब सपोज अगर आप यहाँ पर अपनी डीवीडी को ऑनलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक्टिवेट ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अब सपोज हम यहाँ पर एमएस ऑफिस के पैक को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एमएस ऑफिस के लिए सीरियल की को एंटर करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सीरियल की को एंटर किया है। देन आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आप यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन कोड ऑनलाइन के इस बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डिस्प्ले होगा, जिसके लिए आप कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे। देन इस मैसेज को ओके करेंगे। फिर आप यहाँ पर पुट वेरिफिकेशन कोड हेयर के इस टेक्स्ट बॉक्स में आकर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर एक्टिवेट योर ट्यूटोरियल के इस बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी डीवीडी है, मीन्स जो एमएस ऑफिस का पैक है, वो एक्टिवेट हो गया है। आपको ऑनलाइन डीवीडी एक्टिवेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत सिर्फ एक बार डीवीडी एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है। एक बार डीवीडी एक्टिवेट होने के बाद अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो भी आप डीवीडी के ट्यूटोरियल्स रन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डीवीडी को ऑनलाइन एक्टिवेट करना सीखा। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डीवीडीज को ऑफलाइन एक्टिवेट करना सीखेंगे। थैंक यू। इसी तरह अगर आप LSYT के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स को ऑफलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑफलाइन एक्टिवेट करने का मीनिंग है कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आप LSYT के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स को ऑफलाइन भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक्टिवेट ऑफलाइन पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं इसने जो है हमें एक यूनिक कंप्यूटर आईडी डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस यूनिक कंप्यूटर आईडी को आप
info@lsyt.com पर मेल करेंगे, देन हम आपको ईमेल बैक करेंगे जहां पर आपको एक्टिवेशन कोड रिसीव होगा और साथ ही हम आपको ईमेल के थ्रू सीडी सीरियल नंबर भी ईमेल बैक करेंगे। तो आप यहां पर एक्टिवेशन कोड और सीडी सीरियल नंबर यहां पर एंटर कर देंगे, देन सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब सपोज आप मान लीजिए वेब डिजाइनिंग के पैक को LSYT से परचेज करते हैं और आपको आपके ईमेल एड्रेस पर एक्टिवेशन कोड और सीडी सीरियल नंबर रिसीव हो गया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से सीडी सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक्टिवेशन कोड रिसीव्ड के बॉक्स में सिंपली क्लिक करेंगे, देन आपके ईमेल एड्रेस पर जो आपको एक्टिवेशन कोड रिसीव होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। हम यहाँ पर वो कोड एंटर करते हैं। इसी तरह जो आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सीडी सीरियल नंबर मिला होगा वो सीडी सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है सीडी सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये मैसेज आपको रिसीव होगा, थैंक यू, वी होप यू हैव एंटर्ड करेक्ट एक्टिवेशन कोड, अदरवाइज वीडियो ट्यूटोरियल विल नॉट वर्क, इन दैट केस यू मे ट्राई अगेन विद द एक्टिवेशन कोड गिवन टू यू। इसी तरह सपोज अगर आप वेब डिजाइनिंग के पैक के साथ टैली का पैक भी परचेज करते हैं तो आप क्या करेंगे। अभी तो हमने देखा कि हम किस तरह से वेब डिजाइनिंग के पैक को अनपैक करने के लिए किस तरह से सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड एंटर करते हैं। हम फिर से यहाँ पर बैक करेंगे। अब सपोज ऐसे ही अगर आप टैली का पैक भी परचेज करते हैं तो जिस तरह से हमने अभी वेब डिजाइनिंग के एक्टिवेशन कोड को सीडी सीरियल नंबर को यहाँ पर एंटर किया था, उसी तरह अब हम यहाँ पर टैली के पैक को अनपैक करने के लिए टैली के एक्टिवेशन कोड को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, मीन्स फिल करेंगे। जो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर रिसीव होगा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और साथ ही आप यहाँ पर सीडी सीरियल नंबर भी एंटर करेंगे जो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर रिसीव होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सीडी सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड यहाँ पर एंटर कर दिया है। हम फिर से यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज रिसीव होगा। हम फिर से यहाँ पर बैक वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप जो भी पैक परचेज करते हैं उसका आप एक्टिवेशन कोड और साथ ही सीडी सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे जो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर रिसीव होगा। हम यहाँ पर फिर से बैक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आपको रीएक्टिवेट का एक बटन प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से आप अपने ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं और अगेन आप अपने ट्यूटोरियल्स को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां से रीएक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके अपने ट्यूटोरियल्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट आप यहां पर एक बात का ध्यान देंगे कि आपके ये ट्यूटोरियल्स तभी रीएक्टिवेट होंगे जब आपने पहले ट्यूटोरियल्स को ऑनलाइन एक्टिवेट किया होगा। अगर आपने अपने ट्यूटोरियल्स को ऑफलाइन एक्टिवेट किया है तो तब आप वहां पर रीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो आप LSYT के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स को ऑनलाइन एक्टिवेट करें, ये एक प्रेफर मेथड है जहां आप इजीली फिर से अपने ट्यूटोरियल्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए हम यहां पर देखते हैं कि हम किस तरह से ट्यूटोरियल्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर फिर से वही सीडी सीरियल नंबर एंटर करेंगे जो आपने ऑनलाइन एक्टिवेशन के टाइम पर अपने पैक को अनपैक करने के लिए एंटर किया था। सीरियल नंबर एंटर करने के बाद आप जो है यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन कोड ऑनलाइन के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस वेरिफिकेशन कोड को सेलेक्ट करने के लिए आप कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, देन इसे ओके करेंगे। फिर आप यहाँ पर पुट वेरिफिकेशन कोड हेयर इस टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, देन राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इसे आप क्लोज कर सकते हैं। देन आप यहां पर एक्टिवेट योर ट्यूटोरियल के इस बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपके जो ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं। और आइए अब हम यहां पर जानते हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिवेट करने के बाद हम उन्हें किस तरह से पढ़ सकते हैं।
ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी इस एक्टिवेशन वाली विंडो को या तो क्लोज कर देंगे या आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ से उस वाले पैक पर या उस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पर एमएस ऑफिस 2010 के पैक को स्टडी करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तीन टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें फर्स्ट है एमएस एक्सेल 2010, एमएस वर्ड 2010, देन पावर पॉइंट 2010। सपोज हम यहाँ पर एमएस वर्ड को स्टडी करना चाहते हैं, फिर से हम यहाँ पर एमएस वर्ड के फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर एमएस वर्ड के चार पार्ट्स ओपन हो गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एमएस वर्ड सीडी वन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देन आपका प्रोग्राम लोड होगा और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और सीडी वन के ट्यूटोरियल्स को रीड आउट करने के लिए आप यहाँ पर लॉग इन हेयर पर क्लिक करेंगे। लॉग इन हेयर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं सीडी वन के कंटेंट्स, या आप कह सकते हैं सीडी वन की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहां पर आप वन बाय वन इन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। सपोज आप यहाँ पर एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन को ओपन करते हैं, देन आप यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे ट्यूटोरियल को प्ले करने के लिए। तो हम यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपकी सीडी जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीक बार पर हम इस स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करके इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे बैक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको बैक ले जाएंगे, तो आप इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको प्ले और पोज भी कर सकते हैं जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर बैक जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी सीडी के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। जब आपकी सीडी वन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से सीडी टू को ओपन करेंगे और सीडी टू के जो कंटेंट्स है उनको स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर जो है वन बाय वन इन ट्यूटोरियल्स को स्टडी करना है। और आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिस भी टॉपिक के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पर डिजाइन टैब इन टेबल टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्यूटोरियल प्ले करने के बाद आप साथ के साथ एमएस ऑफिस को ओपन करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।